नमस्कार बच्चों, सिंघल द्वीप वर्णन खंड के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पद संख्या 15 और 16। 15वें पद में कवि ने सिंघल द्वीप के बाजार का वर्णन किया है। यह एक मिश्रित बाजार है जिसमें फूल, पान, इत्र और कथा आदि बेचने वाले बैठे हैं। साथ ही कहीं पंडित उपदेश दे रहे हैं, कहीं कथा वाचन हो रहा है, कहीं नृत्य है, कहीं संगीत है और कहीं पर ठग विद्या भी सिखाई जा रही है, कहीं चोर हैं। कवि इस पद में ये कहना चाहता है कि जैसे यह एक आकर्षक बाजार है, वैसे ही यह संसार जो है यह आकर्षक बाजार जैसा है जो मनुष्य को अपनी ओर मोहित किए रहता है। जो व्यक्ति चतुर है, समझदार है, वह इस बाजार के रहस्य को समझता है, अर्थात वह इस संसार के रहस्य को समझता है। वह समय रहते चेतता है और इस संसार के मोह से अपने आप को मुक्त कर लेता है। देखिएगा पद संख्या 15। ले के फूल बैठी फुलवारी, पान अपूरब धरे सवारी। फुलवारी अर्थात फूल वाली, फूल लेकर के बैठी हुई है। पान अपूरब धरे सवारी, और उसने अपूर्व तरीके से पान अर्थात पान को उसने अपूर्व तरीके से सजा करके रखा हुआ है। सोंधा सबै बैठ ले गांधी, गांधी अर्थात गंधी, सुगंध बेचने वाले। सोंधा अर्थात इत्र लेकर के बैठे हुए हैं, सभी प्रकार के इत्रों को लेकर के बैठे हुए हैं। फूल कपूर खिरौरी बांधी, कपूर केवड़े के फूल वहां पर बिकने के लिए आए हैं। खिरौरी अर्थात कत्थे की टिकियाएं वहां बिक रही हैं। कतहु पंडित पढ़ई पुरानु, कहीं पर पंडित पुराण का पाठ कर रहे हैं। धर्म पंथ कर करहिं बखानु, और वे धर्म के मार्ग का बखान कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कतहु कथा कहे किछ कोई, और कहीं पर कोई और व्यक्ति किसी और प्रकार की कथा का वाचन कर रहा है, समझा रहा है। कतहु नाच कूद भल होई, और कहीं पर सुंदर किस्म का कोई नाच कूद हो रहा है, अर्थात नृत्य और उसके साथ में कौतुक हो रहा है। कतहु चिरहटा पंखी लावा, चिरहटा अर्थात बहेलिया, कहीं पर बहेलिया अपने लाए हुए पंखियों अर्थात पक्षियों का प्रदर्शन कर रहा है। कतहु पखंडी काठ नचावा, और कहीं पर कोई पाखंडी अर्थात कठपुतली का नृत्य दिखाने वाला, काठ अर्थात कठपुतली का नृत्य दिखा रहा है। कतहु नाद शब्द होई भला, और कहीं पर सुंदर नाद शब्द स्वर गायन, गायन के सुंदर शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। कतहु नाटक चेटक कला, कहीं पर नाटक हो रहा है और कहीं पर चेटक कला जादू की कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। कतहु काहु ठग विद्या लाई, और कहीं कोई व्यक्ति अपनी ठग विद्या का प्रदर्शन भी कर रहा है। कतहु ले ही मानुष बोराई, और कहीं पर वह ठग विद्या के माध्यम से मनुष्य को पागल बना रहा है। ये सब पंक्तियां सांकेतिक हैं बच्चों, कि यह जो संसार है यह अपने आकर्षण में मनुष्य को ठग लेता है। चरपट चोर गठी छोरा, मिले रह ही ओही नाच, जो ओही हाटे सजग भा गथता कर पे बाज। चरपट चोर गठी छोरा, चतुर चोर गठ छोरा, गांठ में से पैसे को छीन लेने वाले गिरहकट, मिले रहे ओही नाच, इस नाच में इस नृत्य में ये सब मिले हुए रहते हैं, इसमें समाये हुए रहते हैं, जिनकी पहचान करना कठिन है। जो ओही हाटे सजग भा गत ताकर पे बाच, जो ओही हाटे जो इस बाजार में सजग है, गत ताकर पे बाच, केवल उसी की गत, उसी की गांठ, उसी की पूंजी बची हुई है, अन्यथा सभी की पूंजी जो है इसमें लुट जाती है। कवि यहाँ समासोक्ति के माध्यम से ये कहना चाहता है कि यह संसार नाना प्रकार के अभिनयों से, मिथ्याओं से भरा हुआ है, आकर्षण से भरा हुआ है, और इस आकर्षण से जिस व्यक्ति ने अपने आप को सजग होते हुए बचा लिया है, वही शुद्ध बुद्ध आत्मा के रूप में बच पाता है, अन्यथा सभी इस मिथ्या संसार में आकर के भटक जाते हैं। अगला पद बच्चों 16वां पद है, जिसमें उन्होंने सिंघल गढ़ का वर्णन किया है। जैसे
15वें पद में उन्होंने समासोक्ति के माध्यम से यह संकेत किया कि यह संसार जो है एक नाटकशाला है और हम सभी यहाँ पर आकर के इस नाटक का हिस्सा बन जाते हैं, इसीलिए हमारा सजग होना जरूरी है। वैसे ही 16वें पद में वे कहते हैं कि यह जो देह है, शरीर है, यह सिंगलगढ़ का एक प्रकार है, या सिंगलगढ़ जो है वह शरीर का ही एक रूप है। अब चूंकि मसनवी शैली पर और सूफी काव्य पर भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म पद्धतियों का प्रभाव है, तो ये जो 16वां पद है, इस पद में हमें हठ योग साधना का प्रभाव देखने को मिल जाता है। पुनि आए सिंगल गढ़ पासा, का बरनो जनुलाग अकासा, तरह ही करन ही बासुक के पीठी, ऊपर इंद्र लोक पर दीठी। कवि कह रहे हैं पुनि आए सिंगल गढ़ पासा, कि पुनः सिंगलगढ़ के पास आइए। का बरनो जनुलाग अकासा, इसका वर्णन मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ? ऐसा लगता है जनु लाग अकाशा, मानो यह आकाश तक पहुंचा हुआ है। तरह ही करी बासुकी के पीठी, इसकी तरह ही अर्थात तल, नीव, बासुकी नाग की पीठ तक पहुंची हुई है, अर्थात पाताल लोक तक पहुंची हुई है। ऊपर इंद्र लोक पर दीठी, और ऊपर जहां तक इसकी दीवार जाती है वह इंद्रलोक तक दिखाई पड़ रही है। परा खोह चहु दिसी अस बाका, इसके चारों ओर अद्भुत बाका अर्थात अद्भुत किस्म की खोह खाई दिखाई पड़ती है। कांपे जांग जाई नहीं झांका, और वह खाई ऐसी डरावनी है, गहरी है, कि उसकी तरफ देखा नहीं जाता, और देखने का प्रयास करें तो डर से जंघाएं कांपने लग जाती हैं। अगम असूझ देख डर खाई, अगम असूझ अगम्य है, उनके पार नहीं जाया जा सकता, असूझ समझ में नहीं आता है मार्ग, उसमें से देख डर खाई, देख करके डर लगता है। परे सो सपत पता रही जाई, जो परे अर्थात जो यहाँ से गिर जाएगा, सपत यानी सातवें पाताल में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब कि यह खाई बहुत गहरी है। नव पौरी बाकी नव खंडा, नवों जो चढ़े जाई ब्रह्मंडा, नव पौरी बाकी नव खंडा, इस सिंघलगढ़ पर नौ खंड हैं और उन नौ खंडों पर नौ सजी धजी पौड़ियां हैं। नवो जो चढ़े जाए ब्रह्मंडा, और इन नौ खंडों को जो पार कर लेगा वह ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाएगा। इस पंक्ति को ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ कवि कहना चाहता है कि यह शरीर रूपी जो सिंघलगढ़ है, इसमें नौ साधना की स्थितियां हैं, नौ इंद्रियों का दमन करना है, और उन इंद्रियों के दमन के माध्यम से ये जो सजी धजी इंद्रियां हैं, इंद्रियों रूपी पौड़ियां हैं, इनके आकर्षण से मुक्त होकर के जो सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाएगा वह ब्रह्म रंध्र तक पहुंच जाएगा, और वह ब्रह्मांड के ऊपर अर्थात संसार से ऊपर उठ जाएगा। यही इस पर सिद्ध पथ का प्रभाव है, हठ योग का प्रभाव है इसमें। कंचन कोट जरे नग सीसा, कंचन कोट, इसकी कोट अर्थात परकोटा सोने की ईंटों से बना हुआ है। जरे नग सीसा, शीशे की तरह से चमकते हुए रत्न इसमें जड़े हुए हैं। नखत भरी बीजू जनु दीसा, और नखत भरी बीजू जनु दीसा, नखत अर्थात नक्षत्रों जैसे चमकते हुए रत्न जड़े होने के कारण यह महल बीजू बिजली की तरह से दिखाई पड़ता है। पुनः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि कवि कहता है कि नक्षत्रों से भरी हुई दीवारें कैसी लगती हैं? बिजली की जैसी दिखाई पड़ती हैं मानो। लंका चाहे ऊंच गढ़ ताका, निरख न जाए दीठ तरह थाका, लंका का गढ़ भी इतना ऊंचा नहीं है, लंका के गढ़ को भी और ऊंचा होने की जरूरत है इसकी बराबरी करने के लिए। निरख न जाए दीठी तन थाका, इतनी ऊंचाई है कि इसकी ऊंचाई देखते हुए दृष्टि और तन दोनों थक जाते हैं। हियन समाई दीठी नहीं, जानहु ठाड़ सुमेर, हियन समाई, इसकी विशालता, विराटता, अपूर्वता हृदय में समाती नहीं है, दीठी नहीं, और एक बार में देखने का प्रयास करें
तो यह दृष्टि में समा नहीं सकता, क्योंकि इतना विराट है। जानहु ठाड़ सुमेर, पुनः उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयोग किया गया यहाँ पर। कवि कहता है ऐसा लगता है मानोस आंखों के सम्मुख सुमेरु पर्वत ही खड़ा हुआ है। कह लगी कहो ऊंचाई, कह लगी बरनो फेर, कहां तक तो इसकी ऊंचाई का वर्णन करूं और कहां तक इसके फेर अर्थात इसके घेरे का वर्णन करूं, इसके परकोटे की विशालता का वर्णन करूं। इस प्रकार से कवि यहां सिंघल द्वीप की महानता के माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि जैसे सिंघल द्वीप पाताल से लेकर आकाश तक व्याप्त है, वैसे ही यह शरीर रूपी जो सिंघल गढ़ है, इसी में आकार पृथ्वी से लेकर के पृथ्वी के मोह से मुक्त होकर स्वर्ग तक पहुंचने की पूरी संभावना है, और इसी साधना के माध्यम से, इंद्रियों को नियंत्रित करने के माध्यम से मनुष्य जो है वह ईश्वर की प्राप्ति की साधना को पूर्ण कर सकता है। बहुत सुंदर अवधि, सरल अवधि भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, और इसमें सिद्ध तथा हठ योग साधना भी का प्रभाव भी हमें देखने को मिल जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कवि ने कई जगह काम में लिया है।